तो कैसे सब आप लोग? जी हाँ दोस्तों, यहाँ स्क्रीन पर पहले आप टाइमिंग और आज का दिन डेट वगैरह सब देख लीजिए। ओके, सितंबर 7, 2022। ओके, अब दोस्तों बहुत सारे भाई कहते हैं कि यार हमें यूएस का ही नंबर चाहिए। उसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक कर कमेंट सेक्शन में नाइस ट्रिक ज़रूर से लिख देना है। और उसके बाद दोस्तों आपको चले जाना है अपनी फ़ोन सेटिंग में। फ़ोन सेटिंग में जाने के बाद आपको एप्लीकेशन मैनेजर में जाना है और जो एप्लीकेशन बताऊंगा उसको ओपन करना है। उसको ओपन करने के बाद स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये दो परमिशनों को अलाउ कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको बैक आना है। बैक आने के बाद ये हमारी पहली सेटिंग हो गई। बैक आने के बाद दोस्तों आपको एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जो मेथड बता रहा हूँ उसी मेथड से कीजिए दोस्तों। या आपको साइनअप पर क्लिक करना है। साइनअप पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सिंपल सा या कंटिन्यू विद गूगल इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में एक न्यू फ्रेश आईडी होगी दोस्तों। इससे पहले आपने इस एप्लीकेशन में यूज़ नहीं किया है वो एप्लीकेशन, वो आईडी को आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। ओके दोस्तों, सभी आईडीज आपकी यहाँ शो हो जाएगी। तो चलो उसमें से आपको एक ले लेना है। या मैं इस आईडी को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ओके, आपको याद रखना है कंटिन्यू विद गूगल जो फर्स्ट नंबर पे, उस पर क्लिक कर आपके फ़ोन में जो भी फेक कोई भी आईडी होगी वो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिलेक्ट करना है मेरे भाई लोग। ओके, ये बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, हमें यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। फर्स्ट यहाँ आप जो है आप लोकेशन को इनेबल कर दोगे तो बेस्ट है। चलो यहाँ से मैं डोंट यूज़ लोकेशन करता हूँ। दोस्तों लोकेशन अलाउ करने के बाद ये हमें हमारे मतलब जो एरिया में जो मतलब नंबर है वैलिड वो हमारे सामने प्रोवाइड करेगा। ओके चलो मैं यहाँ से इसको लोकेशन को अलाउ करता हूँ। अलाउ करने के बाद दोस्तों कमेंट सेक्शन में नाइस ट्रिक ज़रूर से लिख देना। ओके, या अलाउ करने के बाद प्लीज़ वेट लिख कर आएगा। अगर आपके सामने नंबर डिस्प्ले नहीं हो रहे तो वापस से आपको यूज़ माई लोकेशन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों, हमारे सामने 641 से नंबर शो हुए। ये नंबर को हम व्हाट्सएप में चेकआउट कर लेते हैं कि वैलिड दे रहा है कि नहीं नंबर। ओके, अगर नहीं दे रहा है तो एक दो एरिया कोड आपको बता दूंगा जो कि अच्छे से वर्क करते हैं दोस्तों। चलो यहाँ हम व्हाट्सएप को ओपन कर लेते हैं। एग्री एंड कंटिन्यू। फर्स्ट या 9 को हटा देता हूँ, 1 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 641 एरिया कोड डाल देंगे। और 641 एरिया कोड डालने के बाद हम ले लेते हैं तीसरे नंबर पे जो है 3090 शायद 390। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर दोस्तों आप इस तरह से कर रहे हो लोकेशन अलाउ कर और आपको मतलब नंबर वैलिड नहीं मिल रहे हैं तो मतलब क्या करना है आपको, मिनिमाइज करके जैसे ही आप जाओगे तो वह नंबर और एरिया कोड चेंज हो जाएगी। तो आप चाहे तो डायरेक्ट भी कोई नंबर को सिलेक्ट कर सकते हो। कल मैंने एक वीडियो बताया था दोस्तों, ये देखिए ये फिलहाल में मुझे नंबर वैलिड नहीं मिला है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ आ जाऊँगा एप्लीकेशन में, आऊँगा एप्लीकेशन में, जैसे होगा दोस्तों यह नंबर चेंज हो गया, दूसरा एरिया कोड। चलो यही एरिया कोड आया है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से चेंज एरिया कोड पर चेंज ये करता हूँ। और यहाँ से दोस्तों 786 और 470 ये एरिया कोड बेस्ट है। आप चाहे तो नंबर चेक करिए, या फिर दोस्तों आपने डायरेक्ट भी सिलेक्ट कर लिया और नंबर बाई चांस अगर आपको बैन मिलता है तो एक आईडी से दो नंबर ले सकते हो। मैंने बताया यहाँ सेटअप पर क्लिक करने के बाद तीनों परमिशन को अलाउ कर देना। कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था दोस्तों, जहाँ मैंने या देखिए हमें ये लिख कर आ रहा है लेकिन हमें नंबर मिल चुका होगा। ओके, कि हमें नंबर यहाँ मिल चुका है एप्लीकेशन में। ओके, अब देखिए दोस्तों यहाँ जो है थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे। थ्री लाइन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों जो नंबर हमने लिया या शो हो रहा है इस पर क्लिक करेंगे, नंबर कॉपी हो जाएगा। अगर दोस्तों ये नंबर आपको मतलब आप जो ना फर्स्ट नंबर लेते हो बैन मिलता है, तो अगर आपको दोस्तों आता है कि एक आईडी से दो नंबर कैसे लेते हैं तो बेस्ट है। नहीं तो फिर आपको इसी वीडियो के नीचे वीडियो मिल जाएगी जहाँ मैंने एक ही आईडी से दो नंबर लेकर दिखाया हो, या फिर मेरा नंबर ये बैन मिलता है तो मैं आपको बता दूंगा कि एक आईडी से दूसरा नंबर और कैसे ले सकते हो। ओके चलो यहाँ हम नंबर को पेस्ट कर देते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। हो सकता है बैन निकले तो दूसरा नंबर ले लेंगे दोस्तों, टेंशन नहीं। अभी फिलहाल में एप्लीकेशन जो है और एक सेटिंग करनी की बाकी एप्लीकेशन में दोस्तों, टैक्सनॉम में जो कि मैं किया नहीं अभी तक, वो सेटिंग ज़रूर से कर लेना है। अभी जब यहाँ अगर ये वैलिड निकलता है तो ठीक है, बैन निकलता है तो ठीक है, जो भी है आपके सामने रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों देखिए ये नंबर यहाँ जो हमें वैलिड नहीं मिला है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम यहाँ सेटिंग भी कर लेंगे और एक आईडी से दूसरा नंबर भी लेकर दिखोगा।
जो सेटिंग है वो मिस नहीं करना है आपको, स्टार्ट में ही कर लेना, जैसे ही आपको टैक्स में नंबर मिल जाएगा उसके बाद सेटिंग जरूर से कर लेना, नहीं तो एप्लीकेशन लॉग आउट हो जाएगी दोस्तों। ओके, और ये कुछ समय तक ज़रूर से चलेगी, आप ओटीपी वगैरह ले लोगे बिंदास चलेगी, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो सेटिंग है पहले के दो सेटिंग बताया, उसके बाद आपके ईमेल एड्रेस से आपको यहाँ जो है लॉग इन साइन अप करना है, और यहाँ जो है तीसरी सेटिंग भी आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। यह आपको थ्री लाइन पे क्लिक करना है, आपको जाना है सेटिंग में, उसके बाद जाना है आपको अकाउंट में, उसके बाद दोस्तों यहाँ जो देख रहे हो ये प्रोफाइल 30% कंप्लीट है, इसके प्लस के आइकॉन जो है इस पर क्लिक करते हुए इसको कंप्लीट करना है, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी क्लिक कर सकते हो, जो प्लस के आइकॉन है दोस्तों वो ध्यान रखिए, और या एज ज़्यादा वाली सिलेक्ट कर लीजिए, इंटरेस्ट वगैरह जो भी है आपका ओके, उसके बाद जेंडर आप जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये देखिए 100% कंप्लीट हो चुकी है, अगर दोस्तों ये थोड़ा कम भी परसेंट कंप्लीट होते हैं तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन प्लस के आइकॉन पूरे कंप्लीट करना है। अब यह देखिए टैक्स नंबर, इस पर क्लिक करूँगा, और या थ्री लाइन पे क्लिक करूँगा, या देखिए इस पर क्लिक करूँगा, यस पे क्लिक करूँगा, तो हमारे सामने न्यू नंबर आ जाएगा, हमारा लोकेशन अलाउ है तो हो सकता है डायरेक्ट हमारे सामने नंबर आ जाए। ये देखिए अभी हमारे सामने ये आया 435 से नंबर आए हैं दोस्तों, तो मैं वापस से यहाँ जो है चेंज एरिया कोड पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ 786 डालता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। और अब दोस्तों हम ले लेते हैं यहाँ, चलो ये वाला नंबर, या फिर ये वाला कर लेते हैं, ओके कंटिन्यू कर लेते हैं। अब दोस्तों हमने एक आईडी से दो नंबर भी ले लिए है, और हमने 100% प्रोफाइल भी कंप्लीट किया है। अब दोस्तों करेंगे क्या, यहाँ से नंबर को कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यह पूरी तरीके से बैक हो जाते हैं और चलते हैं व्हाट्सएप में। अब ये नंबर वैलिड रहना चाहिए, अगर नहीं रहा तो दोस्तों फिर से हमें आईडी न्यू यूज़ करना होगी। ओके अब यहाँ देख लेते हैं, तो दोस्तों देखिए एक जो पहला वाला नंबर तो इनवैलिड दिखाया, लेकिन ये दूसरा वाला वैलिड मिल गया हमें। ओके पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ एक बात को बहुत बारीकी से समझना है आपको। यहाँ देखिए कॉल मी पर 1 मिनट का टाइम चल रहा है, ये ख़त्म होने के बाद दोस्तों कॉल मी पर क्लिक करना है। ओके थोड़ा अभी मैं वीडियो को यहाँ रुका दूंगा दोस्तों, ऊपर टाइम देख लीजिए 12:50 हो रहे हैं, और यह टाइमर जो है 50 सेकंड का बाकी है, वीडियो को पोस्ट कर दोस्तों कुछ सेकंड बाकी है। आप जब कॉल मी पे क्लिक करोगे तो हो सकता है आपको वापस से 2 मिनट का टाइम यहाँ शो हो जाए। ओके चलो यहाँ अभी कॉल मी पे क्लिक करते हैं, तो देखिए दोस्तों अभी हमें वापस से 2 मिनट का टाइम मिला है, तो ये जो टाइमर ख़त्म होगा, या फिर अभी हम एक बार ट्राई कर लेते, देख लेते एप्लीकेशन में कि हमें वॉइस मेल के थ्रू ओटीपी आई है या नहीं। 2 मिनट का टाइमर जो आता है दोस्तों, उसके बाद जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको ओटीपी मिल जाएगी। ओके देखिए आपके सामने अभी तक एप्लीकेशन हमारी लॉगआउट नहीं हुई है। तो दोस्तों हमने जो यहाँ मैंने वीडियो को कुछ पोज वोज नहीं किया, यहाँ देखिए यहाँ जो है दोस्तों फर्स्ट मैसेज ये आया कि वेरिफिकेशन कोड को लॉक किया गया है, लेकिन दूसरा जो मैसेज देखिए ऊपर के साइड वॉइस मेल से ओटीपी मिल चुकी है दोस्तों, हमने प्रोफाइल कंप्लीट किया, इसका फ़ायदा ये। और एक बात ध्यान रखिए, आपको 2 मिनट का टाइमर आता है तो भी दोस्तों आपको कॉल मी पे क्लिक करना है, वैसे मैंने एक ही टाइम क्लिक किया तो मुझे ओटीपी आ गई। 3 3 0 योर वेरिफिकेशन कोड इज 7 6 2 3 3 0 योर वेरिफिकेशन कोड इज 7 6 2 3 3 0 अब दोस्तों ओटीपी को यहाँ मैंने टाइप किया वॉइस मेल से सुनकर, और यहाँ मैंने इसको ये कर दिया। ओके ये देखिए दोस्तों जो मैसेज आता है कि कोड विथ लॉक इन, तो उन टेंशन नहीं लेना आपको, आपने आईडी मतलब ये कंप्लीट किया प्रोफाइल 100% या 80% जो भी है दोस्तों, तो आपको ओटीपी बड़े आसानी से आ जाएगी। वीडियो पूरी तरीके से आपके सामने दोस्तों मैंने यहाँ बनाई है। अब यहाँ मैं ओटीपी को पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करने के बाद दोस्तों अगर व्हाट्सअप जो है हमारा प्ले स्टोर वाला है तो कभी कभी आपके साथ ये दिक्कत भी आ सकती है कि तुरंत ही नंबर यहाँ एक ऐसा एक पॉपअप शो हो जाएगा। ओके जैसे कि मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, आपको ज़्यादातर कोशिश करना है कि एपीके वाला दोस्तों व्हाट्सअप डाउनलोड इंस्टॉल करना है। ओके अभी थोड़ा पॉलिसी ये हो गई है, और यहाँ देखिए अभी मैं नॉट नाउ करता हूँ, नॉट नाउ करने के बाद यहाँ इसको कैंसिल करता हूँ, और यहाँ एक नेम देता हूँ फटाफट से दोस्तों। नंबर ज़रूर से देख के जाइए, दो एरिया कोड आपको ध्यान रखना है, एक है 786
470। ये दोस्तों एरिया कोड अभी बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। हमने डायरी की नंबर लिया, हमें फर्स्ट नंबर इनवैलिड दिया लेकिन दूसरा नंबर वैलिड मिल गया है। ये देखिए 786-864-1491। दोस्तों आई होप कि आपको सब बातें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई। समझ में आई तो लाइक कर जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों एप्लीकेशन का लिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।